हेलो चिल्ड्रेन, आज हम करेंगे हाउ बिग हाउ वॉल्यूम चैप्टर 14 मैथ्स क्लास 5 का पेज नंबर 193। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भेजा है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर देख लीजिए। अगर नहीं देखा है और देखा है तो उसके आगे का हम चैप्टर करते हैं। चलिए आप अपनी बुक निकालिए और निकालिए पेज नंबर 193, ठीक है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जो मैं ये भेज वीडियो से शेयर कर रही हूँ इसी को आप देख लीजिए। इसमें देखिए आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे मैच कुछ मैच बॉक्सेस रखे हैं और वो कैसे रखे हैं वो हमें देखना है। देखो मैं आपको पहले बता रही हूँ, नीचे इन्होंने कितने मैच बॉक्स रखे हैं, 1 2 3 4, 4 मैच बॉक्स रखे हैं। और 4 मैच बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 × 4 16 हो गए। उसके ऊपर 1 2 3 रखे हैं तो 3 × 3, फिर यहाँ भी 3 है ना, 9 हो गए। तो आप देखो आपके पास कितने हो गए, 16 + 9, और उसके ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 + 1। देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे 1 2 3 4 आप गिनेंगे, इसके नीचे 5 6 7 8, सबसे नीचे लेयर देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके। उसके बाद सेकेंड लेयर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फोर्थ लेयर में थर्ड लेयर में देखिए 1 2 3 4, और फोर्थ लेयर में 1 है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 16 + 9 + 4 + 1, कितने हो गए, 30। तो आप ऐसे इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपसे वो पूछेंगे इसके बाद कि हाउ मैनी मैच बॉक्स डिड ही यूज टू मेक इट, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन मैच बॉक्स। अब वॉल्यूम क्या हुआ इसका, देखो वॉल्यूम मैंने क्या हुआ, अभी आपको बताया ना हमने वाटर का मैंने एक्टिविटी बताई, तो जो भी चीज़ जितना स्पेस जितना वो प्लेस ऑक्यूपाई करती है, जितना वो स्थान घेरती है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 30 मैच बॉक्सेस होगा। देखो 30 के साथ मैच बॉक्सेस लिखेंगे जरूर। अब ये एक्टिविटी आप घर में खाली मैच बॉक्स है तो उससे आप कर भी सकते हैं, ठीक है, ओके। अब वो ये कह रहे हैं कलेक्ट करो इसको और इस तरह से एक्टिविटी करके आप उन्हें बताइए, ठीक। अब ये क्यूब बनाना बता रहे हैं, अब मैं आपको एक अच्छे से क्यूब बना के यहाँ पे बताती हूँ। देखो क्यूब क्या होता है, क्यूब यहीं पे बना लेते हैं, देखो कहीं पे खाली जगह यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे अच्छा बनेगा। जो कभी भी क्यूब बनाना, तो क्यूब क्या होता है, आपने इससे पहले रेक्टेंगल और ये स्क्वायर क्यूबॉइड क्यूब पढ़ा, तो क्यूबॉइड ही होता है, बट क्यूब की सारी जितनी साइड्स हैं वो बराबर होती है, ओके ना। क्यूबॉइड तो कोई बहुत सारी शेप होती हैं, जैसे आपकी बुक होती है, पेंसिल बॉक्स होता है आपका, ठीक है, शार्पनर होता है, बट क्यूब क्या होता है, क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती है। जैसे डाइस इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये मैंने आइस क्यूब बोलते हैं। जैसे क्यूब के लिए क्या होता है, पहले आप ऐसे करके एक क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, उसके सेंट्रल में एक पॉइंट लगा के फिर स्क्वायर बना देंगे। अब देखिए इस साइड से इसके साइड्स मिला दें, इस साइड से साइड, यानी कि इस क्यूब की लेंथ क्या होगी, ये होगी इसकी लेंथ, ध्यान से देखिए इस वाले की, और ये होगी इसकी ब्रेथ, और ये होगी इसकी हाइट। ये लेंथ है तो ये लेंथ की लगेगी, और ये ब्रेथ है इसकी, ठीक है, ब्रेथ कहाँ है इसकी, ये, तो इसकी ये भी ब्रेथ होगी, ये भी ब्रेथ होगी। ये अब इसके आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए, क्योंकि वैसे भी इसके सारे साइड्स बराबर थी, पर आपको आना भी चाहिए, ठीक है। ये इसकी हाइट है, क्योंकि अभी तो क्यूब के रहे हैं, कभी कभी क्यूबॉइड भी देंगे वो आपको, और हाइट ये होगी, तो ये भी इसकी हाइट है। तो क्यूब है यानी कि इसके ऑल साइड्स बराबर, यानी इसकी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, तो ये क्यूब इस तरह का है। अब आपको क्यूब का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्यूबॉइड क्या होगा, क्यूबॉइड भी ऐसे ही होगा, बट उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे आप कोई भी बॉक्स, अगर आपके पास स्वीट बॉक्स आ रहा घर में, तो वो भी क्यूबॉइड के शेप का है, क्यूब के शेप का भी आता है, बट यहाँ पे आपको क्यूब का कंसेप्ट समझना है, क्योंकि आगे इसी में आगे प्रश्न में क्यूबॉइड भी आएगा, ठीक है। कंसेप्ट आपको पहले भी पता होगा और आपने आपके रिविज़न हो गया। अब है हाउ मैनी हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ, ओके, आपको 19.5 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है, एक डब्बा बनाना है। मैं आपको इससे पहले चैप्टर में बता चुकी हूँ, और अगर आप इस तरह से बनाएंगे कुछ इस शेप का, तो उसकी जो साइड आएगी ना वो लगभग 7 आएगी, आप 7 मान लीजिए, ठीक है। अब 7 उसकी साइड आई है, यानी कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ की जगह वाइड भी बोल सकते हैं आप, हाइट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, ओके। अब कह रहे हैं हाउ मैनी सेंटीमीटर्स क्यूब्स कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स, उसमें कितने सेंटीमीटर के क्यूब अरेंज होंगे।
उसकी लेंथ भी 7 होगी, विड्थ भी 7 होगी, हाइट भी 7 होगी. विड्थ भी बोलते हैं, सो कहीं कहीं पे उसको वाई वो ब्रेथ भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये इसकी 7 7 7 होगी. यहाँ पे तो बहुत ईजी हो गया. अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका, सी वाला, कि अभी टिम्पू कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वो कह रहा, टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब इज यूज. अब वहाँ पे जब ये क्वेश्चन था पहले, तो उन्होंने क्या कही थी, 6 वो बनाई थी उसकी. देखिए यहाँ पे जो ये क्यूब बना है आपके 2 लेयर से बना है ना. अब आपकी फर्स्ट लेयर कितनी है उसमें, अभी आपने देखा फर्स्ट लेयर भी 7 की है और सेकेंड लेयर भी कितनी है इसकी, 7 की. यहाँ पे 7 यहीं पर कर लेते हैं, 7 × 7 तो 2 लेयर से बनाना. अभी आपने, मैंने आपको पिक्चर बताया, तो 7 × 7 कितना होता है, 49. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 49 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है, कैसे होता है आपको बता दिया, इस तरह से इसकी 2 लेयर से बना होता है ये. आपको आगे वाले से ज़्यादा समझ में आ रहा. ओके, नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी सर्च लेयर विल आई नीड टू मेक. तो उसको कितनी लेयर चाहिए इस तरह से बनाने के लिए, तो 2 लेयर चाहिए. ठीक है, टोटल कितनी चाहिए, 2 चाहिए. अच्छा, यहाँ पे आगे 2 लेयर, आपको 2 और यहाँ पे लेयर लिख देंगे आप. ठीक है, अच्छे से लिखेंगे 2 लेयर. सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब, अब टोटल कितनी होगी, आपने देखा हाइट भी लेंगे यहाँ पे, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट उस सब मिला लेंगे, तो कितना आएगा, 7 × 7 49. 49 × 7 होता है 343. आप चाहे यहाँ पे 343 भी सेंटीमीटर लिख सकते हो. तो सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब कितनी होगी, 343 सेंटीमीटर होगी. अभी आपने पढ़ा था पिछले उसमें, अब यहाँ पे अप्लाई होगा ये वाले क्वेश्चन में. देखो द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज, तो वॉल्यूम भी कितना होगा इसका, 343 होगा, क्योंकि वो कितना हमने कहा प्लेस घेरता है, कितना वो स्थान को ऑक्यूपाई करता है, कितना स्थान लेता है, तो वही उसका वॉल्यूम होगा. तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 343 होगा, 343. ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, आप इसको नोट भी करते रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं अनम, उसने एक बिग क्यूब बनाया है हैविंग डबल द साइड ऑफ योर पेपर क्यूब. हमारा, हमने जो पेपर क्यूब बनाया था उसका डबल, यानी कि हमारा पेपर क्यूब कितना था, 7 था, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 × 7 14 सेंटीमीटर बनाया. बस इतना आप नोट करिएगा. हाउ मेनी ऑफ द योर पेपर क्यूब विल बी फिट इन इट, ट्राई डूइंग इट बाय कलेक्टिंग ऑल द क्यूब्स, मेक इट इन योर क्लास. अभी एक्टिविटी आपके लिए, बट हम आपको अभी कर लेते हैं इसमें, क्योंकि उसका डबल है 2 × 7, तो ये कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर का हो गया ये वाला क्यूब, जो बड़ा क्यूब बना है. अब वो कह रहा छोटे क्यूब इसमें कितने आएंगे. ठीक है, तो वी, अरे हमने क्या किया, 2 × 2 = 4 पेपर के, हमने पेपर क्यूब पिछली बार कितने लिए थे, हमने 2 लेयर्स ली थी, 2 × 2 = 4 पेपर लिए थे. ठीक है, तो 2 × आप ये लिखूंगे यहाँ पे, ये वाला क्लियर हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. आप लिखेंगे वी अरेंज 2 × 2 = 4 पेपर के क्यूब. हमने कितने पेपर क्यूब लिए थे, 4 पेपर क्यूब. अब जो आपने 4 पेपर क्यूब लिए थे, वो कितने लेयर में लिए थे, फर्स्ट लेयर में. अच्छा, इसको मैं अच्छे से ही कर देती हूँ. देखो आप ऐसे कहोगे, यहाँ पे लिख दीजिए 4 पेपर लेयर. ठीक है, 4 पेपर लेयर कितने में है, 4 पेपर यूज, सॉरी 4 पेपर यूज हो रहे हैं 1 लेयर में. ओके, 4 पेपर आपके यूज हो रहे हैं कितने में, 1 लेयर में, 1 लेयर में, 1 लेयर में. तो आपके 2 लेयर में कितने पेपर यूज होंगे, 8. सीधे बात, तो 2 लेयर में यूज होंगे कितने होंगे, 8 कितने होंगे, 8 पेपर क्यूब्स. ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया. तो इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा. और यहाँ से भी आप देखेंगे, अगर इस तरह से डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके बैक्स 4 ही आगे आएगा और ऐसे 4 पीछे जाएगा, तो 8 होंगे यहाँ पे. इसका आंसर कितना होगा, 8 क्यूब्स. ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं. गणेश ने एंड ढींगा वॉन्ट्स टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब इन अ बॉक्स. There, these are to be sent in a school. There are 3 different boxes available for packing. देखो उनके पास जो क्यूब है ना, वो 4000 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, 4000 सेंटीमीटर का मतलब है
कि अगर एक क्यूब 1 सेंटीमीटर का है, सपोज कर लो आप एक क्यूब 1 सेंटीमीटर का है, तो उनके पास कितने क्यूब है, उनके पास 4000 क्यूब है। इसका मतलब ये है यानी कि रमेश और ये दो जने हैं, इनके पास 4000 क्यूब हैं। अब वो इन्हें स्कूल भेजना है और यहाँ पे उनके पास 3 तरह के बॉक्सेस हैं। अब वो ये क्वेश्चन है कि हर बॉक्स में कितने क्यूब आएंगे, ये इनका क्वेश्चन है कि वो इसमें आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते पहले इनका। अब फर्स्ट वो कह रहा है कि विल वी बी एबल टू फिट ऑल 4000 क्यूब इन दीज 3 बॉक्सेस, आई थिंक वी नीड 1 मोर बॉक्स। अब वो एक जो ढींगा नाम है किसी का बच्चे, वो कह रहा है क्या है, हम सारे इतने सारे हमारे पास क्यूब्स हैं, क्या वो हमारे इन 3 बॉक्सेस में आ जाएंगे, मुझे लगता है कि हमें 1 बॉक्स और चाहिए। पर गणेश वो कह रहा है आई थिंक देयर इज इनफ स्पेस इन दिस बॉक्सेस टू पैक ऑल 4000 क्यूब। वो कहता है नहीं, मैं सोचता हूँ कि इसमें बहुत स्पेस है, 3 बॉक्सेस में 4000 क्यूब इसमें पैक हो जाएंगे। अब आप कैसे करोगे, ये तो गैस है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, हर क्यूब का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, वो कितना स्थान लेता है, वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, और फिर उसमें हम देख लेंगे तीनों के एरिया को हम ऐड कर लेंगे। तो अगर वो हमारे 4000 क्यूब्स के बराबर आ रहे हैं, 4000 क्यूब्स हमारे कितना एरिया ऑक्यूपाई करें, 4000 क्यूब हमारे 4000 सेंटीमीटर एरिया ऑक्यूपाई करें, तो दोनों बराबर आ रहा है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो भी ठीक है, बट अगर कम आ रहा है तो हमारा मतलब तो फिर ये गणेश का जो है मतलब गणेश जो आइडिया लगा रहा है वो गलत है, ढींगे का आइडिया तब सही होगा। अब इसको इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा यहीं पर ही करेंगे इसकी कैलकुलेशन। चलो पहले ए बॉक्स ही कर लेते हैं। देखो हमने अभी निकाला था कि कोई भी बॉक्स हो, अगर वो क्यूबॉइड हो, देखो क्यूब हो तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमको उसका वॉल्यूम निकालने में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक क्यूबॉइड है तीनों, हम ए इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है। ठीक है, लेंथ कितनी है यहाँ पे इसकी 20, ब्रेथ कितनी है इसकी 10, आप भी कॉपी में गुणा करते जाइए साथ साथ मेरे, हाइट है इसके 6, देखो 6 × 2 = 12 आ जाएगा सीधे से, और यहाँ पे 1 × 2 = 20 आएंगे, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1200। 4000 तो से तो बहुत कम आ रहा है। अब चलो बी का निकालते हैं, बी का भी ऐसे ए इंटू एल इंटू बी इंटू एच करेंगे एरिया, ये ए मैंने एरिया है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसका लेंथ कितनी है इसकी, मल्टीप्लाई करो देखो 11, ब्रेथ भी इसकी 11 है नीचे, और हाइट इसके 10 है, तो 11 × 11 1 × 1 होता है, और ये 20 इसमें लग जाएंगे पीछे से, ये भी 4000 से तो कम ही आ रहा है। ठीक है, तो 4000 से तो यहाँ भी कम आ रहा है, इसमें 10 है। ओके, यहाँ पे अब इसकी वही एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है इसकी, कैलकुलेशन करिए 15 को तीनों से गुणा, तीनों को गुणा कर दीजिए, देखो 9 × 10 59 जा, हाँ 135, और 20 इसमें 10 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, देखो ये भी 4000 का, बट हमने तीनों बॉक्स में रखना है, एक में तो नहीं, तो हम तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, किसको 1200 को प्लस 1210 प्लस 1350। अब इनको जब हम जोड़ेंगे, जोड़ के कितना आएगा, आप इन तीनों को ऐड करिए, देखो ये आएगा 0573 3750, इतना आ रहा है इसका एरिया, इतने सेंटीमीटर वॉल्यूम, सॉरी यानी कि एरिया क्या होता है, कितना स्थान के रहा वॉल्यूम ही है। अब देखो आपके पास कितना है, आपके पास तो 4000 है ना, आपके पास तो 4000 क्यूब्स हैं, 4000 आपके पास एरिया, ये तो बहुत कम आ रहा है, यानी कि 4000 जो है इससे क्या है बड़ा हो रहा है, किससे 3750 सो, तो आपको किसकी बात सही लग रही है, गणेशा की बात सही लग रही है, ढींगरा की, गणेशा तो कह रहा था नहीं हो जाएगा, बट ढींगरा ने कहा नहीं नहीं होगा, हमें एक बॉक्स और चाहिए, तो यहाँ पे कौन करेक्ट है, ढींगरा इज राइट, तो आपका आंसर होगा एंड यानी कि एनहांस ढींगरा इज राइट। ठीक है, आ गया समझ में, ओके, तो व्हाट इज योर गैस, हु इज राइट, ढींगरा इज राइट, हाउ कैन गणेश एंड ढींगरा टेस्ट देयर गैसेस बिफोर पैकिंग द क्यूब इन द बॉक्स डिस्कस विथ, कैसे गैस क्या होगा ना, आइडिया लगाया होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन तो नहीं किया होगा ना। ओके, अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं, यूज गणेश मेथड एंड राइट
सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने ए बी में कितने, सी में किए, हमने निकाल दिया। देखो ए में बी, अब बी का निकालो, बी में कितने थे, बी का आंसर आ रहा था 1210, 1210, और सी का आंसर कितना आ रहा था 1350। बस इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। सो सेंटीमीटर क्यूब, और द ए का भी होगा इसमें, ए नहीं निकाल, तो ऑल में तीनों में कितने होंगे, ए में कितने थे, हम ए का भी लिख लेते हैं। ए में थे 12, ठीक है, 12 था, पीछे आप जाके देख लीजिए इसको, 1200 था। तो टोटल कितना आ रहा था आपका, वो कह सेंटीमीटर क्यूब ऑल पैक इन थ्री बॉक्सेस, कितना था, 3750 था ना, ओके, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब है कलेक्ट सम ओल्ड पोस्ट कार्ड। अब पोस्ट कार्ड से पाइप बनाओ, जैसे पोस्ट कार्ड को आप सिर्फ इस तरह से फोल्ड कर दो, और ये आपको 1 सेंटीमीटर ही रखनी है, कौन सी एरिया, यानी कि आप ऐसे फोल्ड करोगे, ये जो आपका आएगा 1 आएगा, ऐसे फोल्ड कर लीजिए। आपके पुराने पोस्ट कार्ड या किसी पेपर को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, 14x9, यानी कि आपने जो भी पेपर लेना है उसके ये लंबाई 14 है और ये कितनी है, 9 है, ओके, विथ और लेंथ 14x9, लंबाई चौड़ाई, आपने पोस्ट कार्ड तो देखा है ना, तो उसकी 14 एक तरफ और 9 एक तरफ, या आप इस तरह का पेपर भी काट सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते क्या है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि पहले फोल्ड द पोस्ट कार्ड ऑफ वेट टू मेक 1 सेंटीमीटर, इस तरह से फोल्ड करना है, फिर टेक अनदर पोस्ट कार्ड एंड जॉइन इट अलोंग द लेंथ। अब इसको लंबाई में एक और जोड़ना है, देखो एक हमने इस तरह से बड़ा बनाया, देखो यहाँ पे देखो ऐसे करके एक छोटा आएगा, फिर एक क्या आएगा, बड़ा आएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 1 2 दिख रहे हैं ना, यानी एक को पहले से उसको, एक को उसके ऊपर और जोड़ दिया। गैस विथ पाइप कैन मेक टेक मोर सैंड, अब उसके अंदर हमने सैंड डालना है, कौन सा पाइप मोर सैंड लेगा। देखो ये तो आप थोड़ा सा भी अंदाज लगाओ, आपने एक पोस्ट कार्ड फोल्ड किया है और फिर एक पोस्ट कार्ड फोल्ड करके उसके ऊपर एक और पोस्ट कार्ड रखा है और दोनों में सैंड डाला, दोनों को जब ऐसे रख दिया आपने मतलब फर्स्ट के लेवल पर और ऊपर से सैंड डाला, फिर दोनों को हटा दिया, आप देखो किस पे सैंड ज़्यादा आएगा, आप खुद देखो। देखो एक पोस्ट कार्ड आपका इस शेप का है और दूसरा पोस्ट कार्ड आपने इसके ऊपर एक और लगा है ऐसे, तो इसमें आपने सैंड डाला, इसमें सैंड डाला, तो कौन सा, ये वाला ज़्यादा आएगा, अंडरस्टूड, क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या ज़्यादा है। अब यहाँ पे डिस्कस करना है आप कौन सा आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे आपको इस पिक्चर 1 वाला है, तो आप कहोगे 1 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या ज़्यादा है, ठीक है। अब है इसको डिस्कस कर, तो डिस्कस कर लिया। अब वो कह रहे एक इस शेप का भी करना है, इस शेप का यानी कि ट्राइंगल के शेप का। अब ट्राइंगल के शेप का कैसे करोगे, आप ट्राइंगल पोस्ट कार्ड को बीच से फोल्ड कर दोगे तो ट्राइंगल की शेप, जैसे 3 इस तरह से फोल्ड करके ट्राइंगल की शेप का निकालें। अब इसमें जॉइन द एंड्स ऑफ द टेप, नाउ मेक, अब इसको 4 इस तरह से फोल्ड करके 4 का निकालना है, ठीक है, ये शेप आ जाएगा, 4 बार फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब किसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, तो इसमें देखो है तो पोस्ट कार्ड वही, उसमें उसकी लेंथ और ब्रेथ तो सब की, लेकिन यहाँ पे शेप, इसका शेप ज़्यादा है, किसका, इस वाले का, यानी कि जो हमने स्क्वायर शेप बनाया, स्क्वायर शेप पाइप बनाया है, इसका क्या है ज़्यादा, ये वॉल्यूम ज़्यादा, इसका एरिया भी ज़्यादा, और ये ज़्यादा क्या कर रहा है, प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ज़्यादा स्थान घेर रहा है, तो यहाँ पे आएगा, क्यों आएगा, तो इसका रीज़न ये होगा कि ज़्यादा इसका हमारा, क्योंकि इसके लेंथ ब्रेथ, अगर इसके लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे ना उससे करेंगे, या इसमें आप सैंड डाल के करना है, अभी आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करो, सैंड डाल के या कोई मिट्टी इस तरह से आप डाल के देखना, मिट्टी डालोगे, सैंड डालोगे तो ही, या राख डालोगे तभी आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो या पत्थर डालोगे तो पत्थर से, पत्थर छोटे बड़े हो सकते हैं, तो इसलिए मिट्टी लेनी है या सैंड लेनी है, बालू, ये ज़्यादा वॉल्यूम लेगा, ठीक है, कौन सा, जो 4th वाला है हमारा। अच्छा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गंगोत्री, they have to pack their bag for 6 days and keep them light. They also have to take things that do not take too much space. तो उन्होंने ज़्यादा स्पेस नहीं लेना, ऐसी चीज़ें ले गए ना, क्योंकि ट्रैकिंग में जब गंगोत्री बहुत हाइट में है, ओके, सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव टू लेस वॉल्यूम एंड लेस वेट, आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग्स वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन। इसलिए वो जाते, क्योंकि माउंटेन में उन्हें चढ़ना था, इसलिए ऐसी चीज ले रहे थे जिसका वॉल्यूम कम हो और जिसका वेट भी कम हो। दे एवरी ड्राई
द ऑनियंस एंड टमेटोज टू मेक दैम लाइट. 1 kg ऑफ अनियन और टमेटो बिकम 100 ग्राम वेन दे वॉट इन साइड राइस. अब क्या क्या उसके अंदर जो हमने हमारे पास अनियन है टमाटो खाने के लिए लेके ना, तो उसको सुखा के लिया उन्होंने, क्योंकि सुखा के कम स्पेस लेंगे क्योंकि उसका पानी क्या होगा सूख जाएगा. तो 1 किलो अनियन उस समय कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा. और 1 kg टमेटोज यानी कि टमाटर अनियन दोनों 1 kg अगर हम लेंगे तो दोनों के वेट कितने होंगे, 100 ग्राम 100 ग्राम. ठीक है, 1 kg अनियन और टोमेटो यानी कि दोनों अलग अलग 100 ग्राम के होंगे क्योंकि उसका पानी सुखा रखा है. ठीक है, द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड टू वन डे. अब एक दिन के लिए एक आदमी के जो फूड की उन्होंने रिक्वायरमेंट वो बताई है उसके लिस्ट बना रखी है यहाँ पे. क्या लिस्ट है, राइस 100 ग्राम है, फ्लोर 100 ग्राम है, पल्स 1/3 वेट ऑफ द राइस एंड फ्लोर, ऑयल 50 ग्राम है, शुगर 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम है. आप इसको पढ़ लीजिए, देखो आपकी बुक में लिखा है टी अराउंड 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम ऑफ ब्रेकफास्ट सॉल्ट यानी कि नमक 5 ग्राम, ड्राई अनियन 10 ग्राम, ड्राई टोमेटो 10 ग्राम. तो ये उन्होंने बताई है कि किसकी, एक पर्सन की जो डाइट है. द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन को इतना ले जाना है विल नीड फॉर वन डे, एक दिन के लिए. अच्छा अब ये देखते हैं प्रश्न क्या पूछते हैं इससे. हाँ ये तो उन्होंने लिस्ट दे दी हमें, लिस्ट से हमें करना क्या, अभी हमें तो पता ही नहीं क्या करना है लिस्ट से. तो हम जब इसको देखेंगे तभी तो हम आएगा कि इसमें है क्या. आटा चावल, ठीक है. अब प्रश्न इससे रिलेट, इसको नो ये वाला आप ऐसा करो नोट कर लो, क्वेश्चन क्या है इसके, मैं नेक्स्ट पेज में है इसके. अब वो ये पूछ कह रहे हैं क्वेश्चन देखो कि फॉर 6 डेज ईच पर्सन नीड राइस एंड फ्लोर. देखो एक दिन का राइस कितना था उनका, 100 था, पीछे आप जाइए, और फ्लोर यानी कि जो गेहूं था वो भी 100 ग्राम था. ठीक है, तो 100 + 100 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 200 आएगा. ये किसका था, फॉर वन डे. ऐसे 6 डेज का, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आ जाएगा, 1200. तो 6 दिन का उतना कितना आ गया, 1200 ग्राम. जो भी ये है राइस एंड फ्लोर. फर्स्ट आ गया पल्सेस. अब दाल कितनी है, दाल जो है 1/3 ऑफ वेट ऑफ द राइस एंड फ्लोर. राइस और फ्लोर का वेट 1200, इसका 1/3. ठीक है, 1/3 वेट ऑफ द राइस एंड फ्लोर दोनों का कह रहा है. तो कितना होगा, 3 × 4 = 1200. तो ये 400 ग्राम इसका आंसर आ गया, इस वाले का आंसर आ गया. ड्राइड अनियन, ड्राइड अनियन कितनी है, ये तो एक दिन का आया नहीं, हमने चलो हमने डायरेक्ट 6 डेज का निकाल लिया 1200 से. ठीक है, ड्राइड अनियन, वन डे की ड्राइड अनियन कितनी है, 10 ग्राम है. पीछे देखिए तो 6 डेज की कितनी होगी, 10 × 6 यानी कि 6 डेज की कितनी होगी, 60 ग्राम. इसको आप नोट कर लीजिए. फर्स्ट का आंसर 1200 है, सेकेंड का 400 ग्राम है, और थर्ड का 60 ग्राम है आंसर. ठीक, हाउ मच ऑफ फ्रेश टमेटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 डेज फॉर 10 पीपल. कितना कह रहे कितना फ्रेश टमेटो क्या करना चाहिए, सुखाना चाहिए, कितने, 6 दिन के लिए 10 लोगों के लिए. अभी आपको आपने देखा फ्रेश टमेटो जो है वो कितना है, देखो 6 1 डेज के लिए कितना ले रहे हैं, सब 10 ले रहे हैं. तो 6 डेज के लिए कितना आएगा, 6 × 10 आएगा. ये तो कितने पीपल के लिए हो गए, 1 पीपल के लिए, और 10 पीपल के लिए फिर आपको 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 600 ग्राम आ गया ना. 1 डेज का निकाल लिया हमने, 6 पीपल का 10, और फिर 10 डेज का 600 ग्राम आ गया. ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 डेज इन ईच पर्सन बैग. आप कह रहे सब टोटल वेट बताओ. अब देखो हमको सारे जोड़ने पड़ेंगे पहले. अब मैं ऐसा करती हूँ, पीछे जाके सारे को सबको ऐड कर लेते हैं. देखो यहाँ पे है ना, उसी के आगे ऐड कर लेते हैं तो ज़्यादा हमें. देखो राइस और ये कितना आ गया था, हमने राइस निकाल लिया था. देखो जो चीज़ निकाल ली उसको मैं यहीं पर कर लेती हूँ, इसको और स्मॉल कर लेते हैं. ठीक है, राइस कितना, राइस और ये फ्लोर कितना आ रहा था, 1200. इन दोनों का कितना आ रहा था, 1200. फिर पल्सेस कितना, 1/3 यानी कि 400. ठीक है, ड्राइड अनियंस कितना आ रहा था, 61 का. ऑयल कितना है, 50. तो आपके कितने पीपल के लिए निकालनी है आपको, 6 के लिए. ठीक है, तो आपको 6, ये भी देखना 6 के लिए निकालना है. तो इसलिए आप जब ध्यान दिए, 300 आएगा आपका ऑयल. ठीक है, और शुगर कितना आ जाएगा, शुगर भी 300 आएगा 6 के लिए.
अच्छा मिल्क पाउडर कितना आएगा, मिल्क पाउडर यहाँ पे 40 है तो 6 के लिए 240 आ जाएगा। ठीक है, टी कितना आ जाएगा, 10 है तो 6 के लिए 60 हो जाएगा। अच्छा दलिया कितना है, 40 है तो 6 के लिए 14 × 6 240 आ गया। ये भी सॉल्ट 6 है तो 5 ग्राम, सॉरी दलिया, दलिया के बाद सॉल्ट, सॉल्ट कितना है 5 × 6 30। इसके बाद कुछ और है, हाँ ड्राई टमेटो है, वो भी कितना होगा 60 आ जाएगा, 10 है ना। तो इन सबको आप जोड़ोगे, इन सबको यहाँ पे मैं ऐड करके यहाँ पे जोड़ देती हूँ, ये ऐड करके आएगा 0982 2890 ग्राम, 2890 ग्राम। इसको आप नोट करिए, मैं पीछे जा रही हूँ। ठीक है, कितना है 2890 ग्राम, यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल कितना आएगा 6 डेज का 2890 ग्राम, क्योंकि हमने 6 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया उसको। ठीक है, आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसमें बस ये क्वेश्चन, अब ये है डू यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ आदि की, ये आप कोई स्टोरी है पीछे की, इससे आप अभी बाद में करेंगे, एलिफेंट हमने पढ़ी थी, बट हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ठीक है, वो ये कह रहे कि आपको पता है व्हेल कितनी बड़ी होती है, एलिफेंट से ही बहुत बड़ी होती है ना, तो स्टोरी होगी आपकी पिछली क्लास में थी, अभी हमने देखी थी 4th में, तो वही स्टोरी को उससे आगे उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो वो क्या कह रहे हैं, कैन यू गेस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ, सबसे हैवीएस्ट सबसे भारी एनिमल कौन होता है, वेल होती है ना, आपने पढ़ी तो, उसका केजी वेट कितना होता है 5000 किसी, बाप रे आप सोचिए आपका वेट अगर 20 kg तो 5000 यानी कि आपसे भी कितना बड़ा होगा वो सोचो। इट इज़ द ब्लू वेल, उसका नाम क्या होता है, ब्लू वेल होता है, इट्स वेट अराउंड 35 टाइम्स मोर देन, तो वो 35 टाइम्स मोर देन किससे होता है, मेरे से, वो अपने से बोल रहे हैं। ठीक है, तो सो हाउ मेनी 1000 kg डस इट वेट, वो ये कह रहे हैं कि व्हेल का वेट 5000 है और मेरे से उसका वेट कितना है, 35 kg मेरे से ज़्यादा है, 40 टाइम मोर देन मी, किसका, ब्लू व्हेल 5000, यहाँ पे 5000 जो है ना ये किसका अर्थ हैवेस्ट एनिमल दर, ये एलिफेंट का है। ठीक है, एलिफेंट उसको बात कर, उससे बात कर रहा है कि अगर एलिफेंट का वेट 5000 है तो ये वेल जो है ये 5000 kg से 35 टाइम ज़्यादा है। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि आप 35 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 देखो 0 लगा दे, 5 × 15, 5 × 13 और 15 और 16 17, यानी कि इतने केजी, वेल कितने केजी की है, 1,75,000, 1,75,000। ठीक है, ये आपका यहाँ या एक क्वेश्चन था, मतलब समझ लिए क्वेश्चन ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेस हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एन एलिफेंट, अब एलिफेंट के वेट के बराबर कितने बच्चों का वेट होगा, अकेला अगर हमको, हमने एलिफेंट का वेट निकाला है, एलिफेंट का वेट कितना है 5000 है। ठीक है, और हम ये समझते हैं कि अगर एक बच्चा आपकी क्लास में है, अच्छा आपकी क्लास में सोचो सबसे अच्छे वेट का कौन है, सबसे अच्छे वेट का राहुल है और राहुल का वेट कितना है, राहुल का वेट 40 kg है। राहुल 40 kg का है, अब कैसे निकालेंगे कि वो एलिफेंट के वेट से कितना है, देखो एलिफेंट का वेट 5000 है, राहुल का वेट 40 है, तो आप 5000 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 40 से, या आप सीधे सीधे काट दीजिए, काट के भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो 41 × 40 आप डिवाइड भी कर दीजिए, 0 × 0 यहाँ आ जाएगा, 42 × 0 इसको अलग कर देते हैं, कितना होगा 80, फिर 20 बचा, एक 0 और उतरा, 0 और है, 4×5 = 20, तो 45 × 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 125 आएगा इसका वेट, कितना आएगा 125, एक मिनट रुको, 0 कितने इसके 5000 0 है ना, तो 5000 में, हाँ तो 1 चाहिए का इतना है, तो 1250
अगर आप डायरेक्ट इसको ऐसे करें, 5000 को आप क्या करें 40 से डिवाइड भी कर दें ऐसे, तो 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 125 आएगा इसका। अब है अ बर्ड, अ बेबी एलिफेंट वेट अराउंड, यानी कि जो बेबी छोटा सा एलिफेंट का जब जन्म होता है तो उसका वजन जो होता है 90 kg होता है, ठीक है। हाउ मच डिड यू वेट वेन यू वर बॉर्न, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इज अ बेबी एलिफेंट हैवर देन यू वर अ बर्ड। अब आपका वेट कितना है जब आप छोटे थे, आप अपनी मम्मा से पूछिए, ठीक है। जब छोटा बच्चा जन्म होता है, अगर बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है भी है, तो उसका वेट लगभग 3 kg होता है, ठीक है। यानी कि वेट ऑफ बेबी, किसका, एक बच्चे का, एक बच्चे का जो चाइल्ड है उसको बेबी बोलते हैं, उसका वेट कितना होता है 3 kg होता है। तो इससे कितना है, कह रहे हैं बेबी एलिफेंट से कितना हैवियर, बिल्कुल पहले की तरह है, 90 को हम इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 3 3 9 0, तो कितना होगा 30, यानी कि यहाँ इसका वेट कितना है 30 और इसका वेट कितना 90, तो उससे कितने टाइम्स हैवियर है, 30 प्लस 30 प्लस 30, 90 हो गया ना। या अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा है तो आप 30 को 3 टाइम्स करो, देखो 30 × 3 कितना होगा 90, यानी कि ये इससे कितने टाइम्स हैवियर है, 3 times, तो इसका आंसर कितना होगा 3 times। यहाँ पे आप लोगों के 3 times, इतने टाइम्स हैवियर कौन, बेबी एलिफेंट किससे, ह्यूमन बेबी से, ठीक है, इंसान के बच्चे से। वो कितना है, या आपका वेट जब आप पैदा हुए थे और जब बेबी एलिफेंट पैदा हुआ था, तो अभी अभी के वेट का, उस समय नहीं, उस समय तो वो आपका वेट उस अभी देखो उस समय 3 kg है, और बेबी एलिफेंट के बेबी एलिफेंट आपसे 30 times, नॉट 3 times बट 30 times, ओके, यहाँ पे 30 times मोर हैवियर देन यू, ठीक है। अब है इफ अ ग्रोन अप एलिफेंट, को देखिए, इफ अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स 130 kg ऑफ फूड इन अ डे देन इट विल ईट अराउंड kg इन अ मंथ। अच्छा, एक महीने में कितना खाए, देखो एक दिन में खाता है 136 एक दिन में, ठीक है। पहले हम एक महीने में निकालें तो 136 को 30, एक महीने में 30 days से हम करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है 30 days, तो हम इसी को एज्यूम करते हैं, तो इसको इसका आंसर आएगा 1480 kg, एक महीने में इतना खाएगा 1080 kg, ये kg लिखा है, ठीक है, इतना वो क्या करेगा बेबी सॉरी एलिफेंट 1 month में ईट करेगा, एक बढ़ता हुआ, ठीक है, ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स, ठीक है। अच्छा, अब गैस अबाउट हाउ मच इट विल ईट इन ईयर, एक साल में कितना खाएगा, देखो 1 month में इतना खाता है, 1 year में कितने मंथ होते हैं 12, तो उसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 6 9 8 4 4 8 9 6 0 kg 48,960 kg, इतना ही खाते हैं, देखो कितना खाते हैं एलिफेंट, ठीक है ना, आया समझ आपको इतना, ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा, मैं आगे बढ़ती हूँ, ओके। अब है शो शायद सेव द बैंक, शायद वर्क्स इन अ बैंक, ही सिट्स एट द कैश काउंटर, वेन एवर देयर आर टू मैनी कॉइन्स ही डज नॉट काउंट दैम, ही जस्ट वेस्ट देम वेट देम। अच्छा, इसका इससे आपको थोड़ा सा अलग है उससे, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको कॉइन्स के बारे में बताएं कि एक वेट बताया उन्होंने कि वेट इज सो मच इजियर, द वेट ऑफ 5 rupees कॉइन का वेट 9 grams है, टेल मी द वेट ऑफ सैक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइन इन इट, वो कह रहे आप मुझे वेट बताओ तो मैं उनका नंबर बता, जैसे अगर एक 5 rupees 9 grams का है, ठीक है, तो 2 5 rupees कितने का होगा 18 का, 9 × 5 = 45, अगर मैं आपको 45 grams के, खाली मैंने आपको 45 grams दे दिया, अब कहा कि इसमें 5 rupees है, तो आप आइडिया लगा लोगे 45 grams है, 1 5 rupees 9 grams का है, तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे 5 5 rupees है, तो कह रहा मैं ग्राम से भी उसको पता लगा लूँगा, ठीक है। इस तरह से अपोजिट भी क्वेश्चन है, यानी कि 1 rupee 1 5 rupees इतने ग्राम का है, तो इतने ग्राम में कितने 5 rupees होंगे, अब क्लियर हो गया ना, ओके चलो। अब है फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखते हैं, माई बैग ऑफ 5 rupees, मेरे बैग में 5 rupees के कॉइन है, उनका वेट है 9 kg,
ठीक है, तो सो हाउ मेनी कॉइन्स डज इट हैव, 9 kg है, 9 kg यानी कि कितना होगा? देखो अभी हमने कहा, हम ऐसा आइडिया लगाते हैं कि 18 kg, देखो अगर हमारे पास 18 kg है तो 18 kg में कितने होते हैं, 18 kg में होते हैं, केजी बोल रहे ना, कितने होते हैं 18 में 30 लगाएं क्योंकि 1 gram इक्वल टू 1000, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इतने ग्राम होंगे, ठीक है। और वेट ऑफ वन कॉइन कितने का है, वन कॉइन किसका, 5 का, यहाँ पे देखो 9 ग्राम का है, ये हमको दिया है 9 ग्राम का वन कॉइन है, वन कॉइन, ये वन कॉइन कितने का है, 9 ग्राम का, वन कॉइन 9 ग्राम का है, ठीक है। तो 18 इसको हम डिवाइड कर दें किससे, 9 से, तो कितने कॉइन आएंगे इसमें, 20,000 आएंगे, सॉरी 9 to 18 2000 कॉइन्स आएंगे, ठीक है, 2000 कॉइन आएंगे किसमें, किसमें आएंगे, अगर हमारे पास कितने होंगे 18 kg के कॉइन है, कितने केजी के 18, बट हमारे पास यहाँ पे 9 kg है, तो उसका उल्टा हाफ, इसका हाफ कर ले तो यहाँ पे कितना आएगा, 1000 आएगा, 18 का मैंने इसलिए किया क्योंकि आप इसके आपस में रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, कितना आएगा 1000, तो इसका आंसर कितना आएगा आपको, इसका आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर होगा 1000 क्या होंगे, कॉइन, 1000 कॉइन, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, कॉइन है, इसको आप कॉइन लिखिए, 1000 कॉइन आपके पास, ठीक। अब ये भी आपको इस तरह से आपको उसने समझा रखा है, तो कितना आएगा यहाँ पे 1000, बिल्कुल इजी वे में खुद समझा भी रखा है आपको, ठीक है। अब 18 का मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इसलिए बताया 18 का, 18 में कितने आ जाएंगे, 2000 आएंगे, बिल्कुल सही, 18 का आपने निकाल लिया, 54 का भी आप निकालेंगे, अगर आपको सीधे सीधे आप 54 ग्राम निकालेंगे वैसे तो आप निकाल सकते हैं, देखो 9 का निकाल, 1000 आपका निकालें तो 9 किस में, 9 में 1000 आ रहे, तो 9 5 से इसमें कितने आएंगे, 5000 नहीं होगा तो आपको मैं आपको तो, नहीं 9 6 6000 है, कैसे होगा, देखो अगर मैं इसको ग्राम में चेंज कर दूं और फिर इसको डिवाइड करना है किससे, 9 से ना, तो 9 6 ये अब यहाँ पे 4500 ग्राम है, ये सीधे से ग्राम में है, केजी में नहीं, एक ग्राम में है, तो इसको आप ग्राम को कितने में डिवाइड करेंगे, 9 से, क्योंकि 1 उसमें कितने, 9, तो 4500 को अगर 9 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 9 5 ज़ा, तो यहाँ पे आपका 500 आएगा आंसर, ठीक है। ऐसे 2 के, ये देखिए यहाँ पे 2 kg, 250, 2 kg को आप 2000 लिखेंगे, 250 को ऐसे लिखेंगे, लेकिन डिवाइड आपको 9 से करना है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका, 2250 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 4 9 5 ज़ा 4500, 250 आएगा। ऐसे 1 kg इसको 1250, अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1212, यहाँ पे देखिए 12 है 1000 1125 है ये, अब इसको डिवाइड करना है 9 से, तो 9 1 9 9 to 5 इतने कॉइन आएंगे, तो बहुत इजी है। और जबकि आपने एक बार आपने वो कर लिया ना, क्या आपने जैसे 9000 का निकाल लिया पीछे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1000 आपके कॉइन कितने में थे, 1000 कॉइन थे आपके, ये देखिए कितने में आ रहे थे, 1000 कॉइन, 9 ग्राम का एक था, तो 1000 कॉइन कितने में आ रहे थे, 18 kg में आ रहे थे, ठीक है। तो आप 9 kg करके निकाल सकते हैं कि 9 kg में आएंगे 500, तो ऐसे करके भी आप सारे को मौखिक भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे नीचे ये भी है, 2 rupees कॉइन, अब 2 रुपये का 6 ग्राम का है, तो कितने होंगे इसमें, 2200 कॉइन, देखो ये भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, क्या करना है, 1 kg में 1000 है तो 2 rupees में कितना होगा, 2000 होगा, ठीक है, 2000 होगा 2 rupees में, अब 2000 है 2 rupees में,
तो वो कह रहा है कि 2 रुपीज कॉइन 6 तो 2200 कॉइन है, तो 2200 को जस्ट अपोजिट है, 2200 कॉइन में कितने होंगे, कितने क्या होंगे, ग्राम होंगे। आप क्या करोगे, 2200 कॉइन बराबर करोगे 2200 × 6, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जैसा आपने वहाँ पे एक डिवाइड किया था, ठीक है, किसको, 2200 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आएगा आपका, मल्टीप्लाई करिए इसको, देखो अपनी कॉपी में करिए, यह आएगा 13200 ग्राम, यानी कि 13 जो है केजी आएगा और 200 ग्राम, तो 13 केजी और ग्राम में आपके लिखोगे 200। ऐसे 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, तो 18 आ जाएगा, 18 जीरो, 3 जीरो आएंगे इसमें ग्राम, तो 18 ग्राम कितना हो गया, 18 केजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इफ 100 रुपीज़ कॉइन, इस 100 रुपी का 485 है, तो हाउ मच विल बी 10,000 कॉइन्स वेट, तो क्या करोगे इसको, इतने को फिर डिवाइड कर दोगे कितने ग्राम को, इतने ग्राम को किससे, पहले 100 से डिवाइड करोगे, फिर 1000 इतने से उसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि यह आएगा 485 × 1000, इसको भी करेंगे आप तो ये आपका 485000 है, तो 48 केजी और ग्राम में कितना आएगा आपका 500, तो ये यहाँ पे आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ओके।